नमस्कार। जैसा कि इस फोटो में आपको पता है ही कि यहाँ मकई है। मकई यानी भुट्टा, कॉर्न, और उत्तराखंड में इसे मुंगरी के नाम से जाना जाता है। मकई दुनिया के सबसे लोकप्रिय अनाजों में से एक है, जो मैक्सिको की देन है। वहीं से अमेरिका में पहुंचा और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अनगिनत किस्मों में उगाया जाने लगा है। पॉपकॉर्न और स्वीट कॉर्न लोकप्रिय किस्में हैं। तो ऐसी ही यह मकई, जिसका मैं आज एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो उत्तराखंड में बहुत ही लोकप्रिय है। और यह वीडियो आप देख ही रहे होंगे, यहाँ तो भारतीय किसान तो लग नहीं रहे हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा के किसानों को छोड़कर के बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदि किसानों के हालात हम सबसे छुपे नहीं हैं। तो यह रेसिपी है भुट्टे की, जो देसी भुट्टे होते हैं। स्वीट कॉर्न से यह बिल्कुल भी नहीं बनती है। स्वीट कॉर्न में क्योंकि अधिक मात्रा में पानी होता है, तो यह देसी भुट्टे हैं जो आजकल मार्केट में आ गए हैं। तो इसकी रेसिपी आप इस तरह से बनाइएगा, इसके दानों को निकाल दें और उसे मिक्सी में लहसुन, हरी मिर्च के साथ दरदरा पीस लें। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, और इसे पकौड़ों की तरह बनाएंगे। तो कढ़ाई में तेल गरम करने रख देते हैं, और इधर से यह पीस गया है। इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार डालेंगे। आजकल बच्चों की छुट्टियां भी हैं, बच्चों के पास यही दिन होते हैं जब वह समय में आराम से नाश्ता करें। साथ में मिर्च भी डालें। आप वीडियो में देखते रहें कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ, और मेरी बातें भी आप सुनते रहें। और यह धनिया पड़ गया है। जब वह समय में आराम से नाश्ता करें, और हम पेरेंट्स के पास भी उन्हें समय देने का यही अवसर होता है, तो क्यों ना हम उन्हें घर में पकाई जाने वाली नई नई रेसिपी से भरपूर पोषक तत्व से बनी हो खिलाएं। जंक फूड आजकल प्रचलन में बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो यही मौका है उन्हें देसी और चटपटा खाना खिलाएं, जिससे उनकी आदत भी बदलेगी और स्वस्थ रहेंगे। जैसे यह रेसिपी करारी और स्वाद से भरपूर और संतुलित डाइट भी है। तो इसमें मैंने ये अजवाइन डाल दिया है, हल्दी डाली है, मिर्च डाला है, गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी धनिया, ये मेरा ऑर्गेनिक है, मेरे गमलों का लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। और ये प्याज, आप प्याज की के साथ और भी सब्जियां इसमें डाल सकते हो, जैसे पालक, मेथी, कई सब्जियां आप डाल सकते हो, प्याज ऑप्शनल है। तो इसे इस तरह से हिलाएंगे और फिर इसे हम तल देंगे, पकौड़ों की तरह चम्मच से डालेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में नमक डाला है, एक चुटकी, जिससे तेल सिसके पकोड़ों में नहीं आता है। यह बहुत खास ध्यान रखें, आप जब भी पूरी या पकोड़े तलते हो तो थोड़ा सा नमक डालें। यह इस तेल में मैंने पहले पकोड़े ये वाले बना दिए थे, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो जब वहाँ उतारे तो ये मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ कि कैसे तलना है। चम्मच से गिराते जाएँ ऑयल में, और इस तरह से यह बहुत ही टेस्टी करारे बन करके तैयार हो जाते हैं, जो भरपूर पौष्टिक होते हैं। मकई में संतुलित और स्वस्थ आंत के लिए घुलनशील फाइबर भी होता है। मकई पौधे प्रोटीन का एक आश्चर्यजनक स्रोत भी है। भुट्टे में आँखों की सुरक्षा करने वाले पोषक तत्व होते हैं। मकई में पोटेशियम और मैग्नीशियम प्रदान करता है। मकई में विटामिन सी और बी भी होता है। तो इन्हें आप जरूर बच्चों को खिलाएं, यह इस तरह से निकालें और फिर उसे तोड़ दें, तो वो अच्छे से हो जाता है। और यह चटनी के लिए मैंने टमाटर और प्याज की चटनी बनाई है। इसमें लहसुन, लाल मिर्च, साबुत डाल करके इसे अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। और नमक में, जैसा कि आपको हमेशा बताती हूँ कि ऊपर से डालें। इसका चीला भी बनाते हैं हम, चीला भी इसका बहुत अच्छा बनता है, तवे में ही बन जाता है। जैसे थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर उसमें सरसों के दाने या राई के दाने डाल दिए। यहाँ मेरा बन करके तैयार हो गया है, बहुत ही चटपटा, चटपटी चटनी के साथ। चटनी भी आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत मज़े आएंगे बच्चों को। और ये छुट्टी के दिन तो बनता ही है कि बच्चे इसे ज़रूर खाएँ।
जैसा कि आप इस पकोड़े को देख रहे हो कि ये गैस के ऊपर रखा हुआ है, तो इसे हमारे यहाँ कहते हैं खांद में रखना। हम माने या ना माने, कुछ आदतें हमारी पारंपरिक हो जाती है, जैसा हम बचपन से बड़ों को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इसकी मान्यता मानी जाती है कि सीजन का पहली कुछ भी चीज़ हम बनाते हैं तो उन्हें भी याद करते हुए पूर्वजों के लिए निकालते हैं। इस तरह से बाद में हम इसे प्रसाद के रूप में परोस दिया जाता है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बच्चे बहुत खुश होकर के खाएंगे, यह मेरा दावा है। धन्यवाद।